आगे जो वर्णन किया गया भगवान भोलेनाथ की कथा में, वेद व्यास जी जो वर्णन कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ ने कहा पार्वती क्या चाहती हो? पार्वती जी बोली, प्रभु मेरे विनायक का सिर कट गया था, गंगा जी से विनती करी थी 1,25,000 दीपे के दान करूंगी, चलो दीपक बना के दान करना। गणेश जी को भी ले गए दीप दान करने के। जैसे ही दीप दान करने पहुंचे, भगवान भोलेनाथ दिया लगा कर दें, माता पार्वती जहां से गंगा बहकर आ रही थी उधर देखकर दिया छोड़ती जाए। पीछे गणेश जी बैठे थे, वो खसक खसक के गंगा जी में पांव डालकर बैठ गए। अब जैसे ही उधर से दिया बहकर आए, गणेश जी अपनी सूंड से पकड़ के उसको किनारा लगा दे, बार बार सूंड से पकड़े फिर किनारा दे। शंकर भगवान से पार्वती जी ने पूछा, भोलेनाथ एक बात समझ में नहीं आ रही, इतनी इतने सारे दीप का दान कर दिया फिर भी दिए उत्ते की उत्ते। भोलेनाथ जी बोले, हमारे ब्रह्मा जी कहते हैं दान करने से बढ़ता है, इसलिए बढ़ रहा है। इनको क्या मालूम कि पीछे जो दादा बैठा है गणेश, वो पकड़ पकड़ के वापिस रख रहा है पानी में। थोड़ी देर बाद सूंड पार्वती जी के पांव के नीचे गई। पार्वती ने भोलेनाथ जी से कहा, आप बोल रहे हो बढ़ता है, ये गणेश पकड़ पकड़ के धर रहा है। शंकर भगवान ने और पार्वती जी ने पूछा, गणेश क्या कर रहे हो? गणेश जी बोले, पिताजी सब बहकर जा रहे थे, मैंने पकड़कर किनारा दे दिया। भोलेनाथ जी बोले, गणेश इस भव सागर में, संसार सागर में ना जाने कितने बहते चले जा रहे हैं, तो किस किस को पकड़ के किनारा देगा? गणेश जी बोले, पिताजी जो एक बार शिव महापुराण में पहुंच गया उसका हाथ पकड़कर किनारा दे दूंगा, जो नहीं पहुंचा वो बाद में डूब गया। शिव किनारा देती है, शिव करुणा करते हैं। किनारा, और ये किनारा ही तो है, मेरे ऊपर बैठे हुए श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज हमारे सालासर भवन के जो मालिक वगैरह होंगे इनके, इन्होंने वहां ऊपर सामने हनुमान जी को बिठा रखा है। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रभु की करुणा, प्रभु की कृपा, उसी करुणा के बल पर हम भव सागर से पार हो रहे हैं। करुणा, हम तो कहते हैं बनवारी लाल जी आपके भी पूर्वज में जरूर आपकी माता जी, पिताजी, दादा, परदादा, भाई, बंधु सब कोई ना कोई देवी की उपासना, कोई ना कोई शंकर की उपासना बचपन से करते आए होंगे, सावन में व्रत रखते होंगे, उसी का पुण्य है जो ये पुण्य की गुल्लक भराई और शिव महापुराण की कथा अपने परिवार में हो गई। ये उसी का पुण्य इकट्ठा हुआ, ये पुण्य की एकाग्रता हमारे परिवार में सुख स्थापित करती है। एक धन आता है तो डॉक्टर में लगता है, एक धन आता है तो सत्कर्म में लगता है। शुभ है। भगवान गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, सुंदर आनंद से गणेश जी का स्वागत करिए। बोल गणेश जी महाराज की जय। भगवान गणेश जी महाराज अपनी माता पार्वती शिव जी का आनंद लेते हुए, सुख स्थापित करते हुए, बाबा भोलेनाथ जी के आनंद लीला को धारण करते हुए सुंदर लीलाओं का स्मरण करा रहे हैं। आज गणेश जी महाराज ने चूहे के साथ में जाकर मोदक की लीला करी और मोदक उठाकर गणेश जी महाराज ने अपने भक्तों को दिया है, वही मोदक लीला का दर्शन अपन यहाँ गणेश जी का करेंगे। गणेश जी भी आपको मोदक फेंक फेंक के देंगे और आनंद लेंगे मोदक। आज कथा में अष्ट लक्ष्मियों की कथा कह दी है, अष्ट विनायक रह गए, तो अष्ट विनायक की कथा कल लेंगे अपन कथा में। जोरदार ताली बजाएं गणेश जी के लिए। झूला झूले झूला झूले गबरी गजानंद झूला झूले झूला झूले झूला झूले गबरी गजानंद झूला झूले गबरी गजानंद झूला झूले गबरी गजानंद झूला झूले झूला झूले झूला झूले
विष्णु जी उनको झूला झुलावे, विष्णु जी उनको झूला झुलावे, विष्णु जी उनको झूला झुलावे। लक्ष्मी के मन में फूल खिले, फूल खिले, गौरी गजानंद झूला झूले, गजानंद झूला आगे अंदर गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। फेंकिए भैया, फेंकिए, सबको फेंको। बोल गणेश जी महाराज की। श्री गिरिराज धरण केंद, श्री वल्लभाधीश केंद, श्री साईं की परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गोदा महारानी की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती मात की जय, खेलापति सरकार की जय, महाकाल राजा की जय, सरस्वती मात की जय, नर्मदा महारानी की जय, संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय, चिंता संतान हंतार यत पदान वेणवा, श्यानम तनीज चार्यानम प्रणमामि नमः। यदनुग्रहतो जन्तुहा सर्वदुःखातिगो भवे, तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरनमीलितयेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयेशे लीलाचरप्रीशेन लक्ष्मीसहस्रलीलामणिः सर्वमानं कलानिधिं, चतुर्भीष्व षड्जाते पंचदा हृदय नमः। बोल महाकाल राजा की जय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। काशी विश्वनाथ भगवान शिव जिनकी पावनमय कथा श्री शिव महापुराण कर्नाटक के इस गुलबर्गा शहर में अग्रवाल परिवार द्वारा आयोजित 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा
जो जीवन का सुख प्रदान करने वाली है, आनंद देने वाली है। भगवान की पावनमय कथा का रस स्वादन करना, भगवान की भक्ति को और मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करना, भगवान शिव को करुणा सागर कहा जाता है। सागर का मतलब तो जानते हो ना, जो गहराइयों से परिपूर्ण हो, जिसने अपनी जिंदगी में केवल एक गहरा तत्व को धारण कर कर रखा, और भगवान शिव है भी ऐसे। शंकर भगवान ने अपने भीतर एक ऐसी गहराई बनाकर रखी है कि जिसको केवल पीने का ही आनंद हो। लोग कहते हैं वो भांग पीता है, लोग कहते हैं वो गांजा पीता है, लोग कहते हैं वो विष पीता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने भगवान के नाम का एक बार रस पी लिया उसको जिंदगी में कुछ पीने की जरूरत पड़ती ही नहीं, फिर क्या जरूरत है। ये व्यसन, ये जीव को बर्बाद करने वाले, पर भगवान भोलेनाथ ने कोई व्यसन ऐसा पकड़ा ही नहीं जिससे बर्बादी हो। उसने तो अपने मुख में राम का नाम ऐसा रख रखा है कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, जिंदगी की डोर सो हाथ दीना नाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ा वास। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए, और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। शिव पुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है कि भगवान शंकर राम जाही विधि राखता है, उस विधि शिव रह रहा है, और राम कहते हैं जिस विधि शंकर राखता है उस विधि राम रह रहे। जैसा राम रख रहा है वैसा शिव रह रहा है, और जैसा शिव रख रहे हैं वैसा राम रह रहा है, जैसा शिव रख रहे वैसा राम। कितनी विचित्र, शंकर जी के मन में कितनी विचित्र बात लगी होगी कि एक तरफ मेरा एक भगत है, दूसरी तरफ मेरा एक भगत है। लंका का राजा रावण किसका भगत था? अरे बोलो जम के, शिव का। और राम जी किसके भगत थे? शिव के। इधर भी शंकर का भगत है और उधर भी शंकर का भगत। सबसे बड़ी दशा माँ की तो सबसे ज्यादा हालत खराब होती है कब? जब घर में दो बहुएं आ जाती है, तब बड़ी को लगता है सास छोटी को ज्यादा चाहती है, और छोटी को लगता है सास बड़ी को ज्यादा चाहती है, और बेचारी सास की हालत ढीली हो जाती है। फिर इससे तो वो पहले के समय में माताएं थी ना, कपड़े की दुकान पे जाती थी, एक जैसा कपड़ा कटवाती थी, लल्लू कल्लू पप्पू मुन्ना सबको एक जैसा पहना देती थी,
हमारा निवेदन है बुढ़ापे में अगर आपको अपनी बुढ़ापे की अवस्था को वृद्ध माताओं सुधारना है तो कभी मुख से मत कहना कि मुझे बड़ी बहू अच्छी लगे कि छोटी अच्छी लगे। क्यों? बुढ़ापा आते आते गेंद किसी भी पाले में जा सकती है, किसी से भी पाला पड़ सकता है। पर जिसका एक ही बेटा हो एक ही बहू हो तो वो तो ज्यादा सुखी है, कोई टेंशन ही नहीं। कहा करना, अब जैसी है एक ही साथ लेगी, एक ही अच्छी है और एक अगर है तो भगवान का भजन करने वाली हो, सत्कर्म करने वाली हो, पुण्यभागी हो और हमारे लिए तत्परता का भाव रखने वाली। विश्वास कब होता है भगवान पर? लोग विश्वास कब करते हैं? जब डॉक्टर साथ छोड़ देता है और कहता है अब तो उसका भजन करो, क्योंकि डॉक्टर को भी मालूम है उसके आगे हमारी भी नहीं चलती। किसके आगे? अरे बोलो तो, वही काल अधिपति, काल मतलब घड़ी का, समय का आधिपत्य रखने वाला, काल का आधिपत्य करने वाला, काल को भी जीतने वाला, वो महाकाल के आगे दुनिया में किसी की नहीं चलती है। महाकाल कौन की चलती? जिसकी घड़ी, सुई, पल, एक एक घड़ी की सुई भी बढ़ती है ना, समय भी बढ़ रहा है ना, तो वो भी महाकाल की कृपा से बढ़ रहा है। महाकाल का थोड़ी भाई बात है। हाँ, व्यक्ति का अगर अभिमान झलके तो उसमें गहराई नहीं हो सकती। एक नदी ने एक समुद्र से आकर कहा, समुद्र देव मैं बहुत बड़ी नदी हूं, बहुत बड़ी। समुद्र तुझे कुछ मांगना हो तो मुझसे मांग ले। समुद्र ने कहा, नदी मुझ में रतन, समुद्र में क्या नहीं है? रतन, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, सब कुछ समुद्र में, बस वो तो गहराई में जाने वाला चाहिए जो लेकर आ जाए। समुद्र मांग तुझे क्या चाहिए? समुद्र बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे समुद्र देव तुम मुझे जानते नहीं हो, बहुत बड़ी नदी हूं मैं, बहुत बड़ी, तुम्हें जो मांगना मांग लो। समुद्र ने कहा नहीं, अरे कुछ तो मांगो, नहीं चाहिए ना, जब बोल दिया नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। इतने में नदी ने कहा कि तुम मुझे जानते नहीं। समुद्र ने समझ लिया कि इसको क्या आ गया, अहंकार आ गया, और इसको अहंकार आ गया तो वो अहंकार किस काम का? समुद्र ने कहा अगर नदी तू मुझे कुछ देना चाहती है तो दे दे। क्या दूं? हरी हरी दूबा, दूबा देखिए ना, दुर्बा जो गणेश जी को चढ़ती है, हरी हरी दुर्बा, केवल हरी दूबा। और मुझे हरी हरी दूबा, हरी हरी घास लाकर दे दे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल हरी दूबा, हरी घास मुझे दे दे और इसके सिवाय मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, केवल ठीक है। नदी ने कहा, अरे समुद्र तूने मांगा भी तो क्या मांगा, केवल हरी दूबा, हरी घास, ये तो मैं अभी लेकर आती हूं, तो जा लिया। नदी अपने पानी के वेग से घाट पर जितनी भी दूबा लगी हुई थी, किनारे पर जितनी घास लगी हुई थी, नदी ने पानी की लहर को तेज करा और घाट पर उछाला दिया, उछाला दिया दूबा को उखाड़ने के लिए। जैसे ही नदी ने उछाला दिया, जो दूबा थी, जो घास थी, वो पानी के वजन से झुक गई, फिर दिया, फिर झुक गई, फिर दिया, फिर झुक गई,
घास दूबा टूटी नहीं, वापिस आ गई। नदी ने कहा समुद्र और कुछ मांग ले, वो घास दूबा मैं ला नहीं सकी। समुद्र ने कहा अरे नदी तुझ में क्या, दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो झुकने वाले को उखाड़ सके। वो झुकती थी इसलिए तू उखाड़ नहीं सका, तू उखाड़ नहीं पाई। अगर समुद्र कहता है नदी, दुनिया का मनुष्य अगर भोलेनाथ के चरणों में, त्रिकाल दर्शी के चरणों में, कैलाशी अविनाशी के चरणों में, मेरे शंकर के चरणों में, मेरे काशी अधिपति के चरणों में, माता पिता के चरणों में, सतगुरु के चरणों में, संत महात्मा के चरणों में अगर झुकता रहे तो दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं कि कोई उसे उखाड़ कर फेंक सके। उखड़ता व्यक्ति तब है जब वो संत और भगवान की शरण से दूर हो जाता है। जो दूर हो गया वो उखड़ गया, जो परमात्मा से दूर हुआ वो उखड़ गया। जो परमात्मा के नजदीक में वो क्यों उखड़े? एक माँ को देखकर बच्चा दोनों हाथ ऊंचे करता है जमीन पर बैठा बैठा रोता हुआ, माँ मुझे उठा, माँ मुझे गोदी में ले ले, माँ मुझे गोदी में ले ले तू। और बच्चे को देखकर माँ उसके हाथों को देखकर गोदी में ले लेती, माँ उसको गोदी में लेती है। उसी तरह भगवान शंकर के नाम जाप में जब बीच बीच में हम बार बार बोलते हैं हर हर महादेव, दोनों हाथ उठाकर कहते हैं तो बाबा भोलेनाथ समझते हैं ये मेरे घर का बेटा, ये मेरा पुत्र, ये मेरा सपूत मुझे पुकार रहा है, मैं क्यों ना इसको गोदी में बिठाऊं। और भगवान भोलेनाथ भी आपको गोदी में बिठाने के लिए तरसता है। मृत्यु लोक का देव है, मृत्यु लोक का देवता है, मृत्यु लोक का महादेव है। वो भी अपना नाचा, ये मेरा अपना भैया, जिनके चक्कर में आपने जिंदगी को बर्बाद करा वो कौन सा अपना था? एक राजा ने अपनी पत्नी से कहा कल बेटे को मैं राज तिलक दे रहा हूं, उसको राजा बनाना चाहता हूं। पत्नी ने कहा मैं आपके पांव धोकर पीती हूं, मैं आपके चरण पड़ती हूं, अपने बेटे को अपन राजा नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? एक ही तो बेटा है, वो राजा नहीं बनेगा तो कौन दूसरा बनेगा? पत्नी ने मना करा, राजा बनाने से पहले उसकी परीक्षा लीजिए। क्या परीक्षा लीजिए? उसके बहुत सारे मित्र हैं, वो मित्रों ने इसकी जिंदगी बर्बाद करके रखी है, अगर अपन ने राजा बना दिया तो मित्र पूरे राजपाट को खा जाएंगे, क्या करें? इसको नगर से बाहर निकाल दो, धक्का देकर निकाल दो। पत्नी कहती है पति से इसको बाहर निकालो, और बाहर निकाल कर कहना जो इसको रखेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। रखो इसके दोस्तों को तो देखें कहां का दोस्त अच्छा है। भेजो इसको, जाओ भेज दो। और राजा ने पूरे नगर में सूचना कर दी जो मेरे बेटे को अपने घर में रखेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा, अगर किसी ने मेरे बेटे को रखा उसको मार दिया जाएगा, फांसी की सजा। राजा का लड़का बाहर गया, रोते रोते सबसे पहले अपने 24 घंटे जो दोस्त के साथ रहता था, जिस मित्र को एक पल के लिए नहीं छोड़ता था, एक घड़ी के लिए नहीं छोड़ता था, उस 24 घंटे मित्र के पास गया। भाई मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया, तू रख ले। 24 घंटे वाले ने तो पानी तक की नहीं पूछी, दरवाजा बंद कर कहा भैया तेरे को बाहर निकल जा, मुझे मरना नहीं है। 24 घंटे वाले ने धक्का देकर निकाल दिया। फिर राजा का लड़का रोते रोते, जो मित्र 8 घंटे साथ रहता था, 8 घंटे मिलता था, 8 घंटे का नित करता था, उसके पास में गया। 8 घंटे वाले ने पानी तो पिलाया पर हाथ जोड़ लिए, भाई तू मेरा मित्र है, तू मेरा सखा है, परंतु अपनी दोस्ती अपने तक, मुझे मरना नहीं, मेरे परिवार बच्चे हैं, तू जा निकल। 24 घंटे वाले ने साथ नहीं दिया, 8 घंटे वाले ने साथ नहीं दिया। फिर रोता हुआ बिलखता हुआ 3 दिन बीत गए, एक मित्र मिला जो कभी कभी मिलता था, साल 2 साल 4 साल 8 साल में एक बार मिलता था, वो मिला। उसने कहा क्यों रो रहा है? कि मुझे कोई घर में नहीं रख रहा, मेरे पिता ने कहा है फांसी की सजा दे दूंगा जो सांप देगा। कभी कभी मिलने वाला मित्र बोला क्यों चिंता करता है, मैं हूं ना, चल मेरे घर।
अरे मेरा पिता तुझे मार देगा। मारेगा ना, मर जाऊंगा, तू चल मेरे घर, चल मेरे साथ रहना। कभी कभी मिलने वाला वो मित्र अपने साथ ले गया। राजा को सूचना मिली, राजा की पत्नी ने अपने बेटे को बुलाया, जो कभी कभी मिलने वाला मित्र था उसको मंत्री बना दिया, और राजा ने अपने बेटे को राजा बना दिया, राजा बना दिया अपने बेटे को, और कभी कभी मिलने वाले मित्र को मंत्री पद दे दिया। ये राजा की कहानी नहीं, ये अपनी कहानी है। 24 घंटे साथ रहने वाला ये हमारा शरीर है। कितने प्रेम से काजू बादाम खिला खिला के, लक्स पेयर्स लगा लगा के 24 घंटा इसको कुछ ना कुछ देते रहते हैं। इस आत्मा का ये शरीर मित्र है। देते हो कि नहीं देते? 24 घंटा साथ रहता है। एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी आत्मा को ये शरीर नहीं छोड़ता। छोड़ता है क्या? 24 घंटा साथ रहता है। जितना मित्र ये आत्मा दूसरी जगह खर्च नहीं करती, उससे हजार गुना खर्चा इस शरीर पर करती, अपने मित्र पर करती कि नहीं करती? एक एक शैम्पू, एक एक साबुन, एक एक क्रीम, ना जाने कितने कितने का ला ला के इस शरीर पर चुपड़ा जाता है। 24 घंटे के साथ वाले पर खर्च किया जाता है। पर मृत्यु के समय पर सबसे पहला साथ, बोलो तो कौन छोड़ता है? ये शरीर, 24 घंटे साथ रहने वाला मित्र। 24 घंटे साथ रहने वाला मित्र इस शरीर का साथ सबसे पहले इस आत्मा का साथ छोड़ता है। दूसरे नंबर का मित्र है 8 घंटे वाले साथी। 8 घंटे का कौन? हमारे परिवार वाले, हमारे नातेदार, हमारे रिश्तेदार, हमारे कुटुंबी, हमारे कबीले वाले, हमारे अपने, ये 8 घंटे के साथी है। जब मरोगे, मरने के बाद 8 घंटे लपक के प्रेम से रोएंगे और 8 घंटे बाद आंसू को पोंछ ले। पूरा मिला के लगा लो हिसाब, जब व्यक्ति मरा, रात को मरा, तो 2 घंटा जब दमदारी से रोएंगे, फिर लाश को पटक देंगे कमरे में दिया लगा के, और खुद कमरे में जाके बैठ जाएंगे, सो जाएंगे, फिर सवेरे उठेंगे, फिर 2 घंटा अच्छे सब रिश्तेदार जुड़ेंगे तो अच्छी डिजाइन डिजाइन में रोएंगे। फिर कितने घंटे हो गए? बोलो तो अच्छे से बोलो, 4 घंटे। फिर जब बॉडी जाने लगेगी तब और दमदारी से रोना पड़ेगा, तो जब फिर रोएंगे 1 घंटा। कितने हो गए? 5 घंटा। फिर 10 दिन सारे रिश्तेदार मिलने आएंगे तो उनके सामने थोड़ा बहुत तो रोना, 3 घंटे उसके जोड़। कितने हो गए? 8। और 13 दिन पूरे हुए, जाने वाली जीवात्मा चली गई, फिर सब वही खाना पीना रहना, फिर वही चली। अरे जितने अपने सब चोटे, सब लुटेरे। दुनिया में कौन ऐसा जो लूट नहीं रहा? पैदा होते से ही परिवार के लोगों ने श्वास को लूटना चालू कर दिया। ये पूंजी थी अपनी जिंदगी की, अपनी श्वास, श्वास गिन गिन कर तुझको मिलत है, ये लौटाने के काबिल नहीं है। एक एक श्वास जिंदगी की पूंजी के रूप में मिली है। करोड़पति बनाकर भगवान ने भेजा था, और जब गए करोड़पति बनकर गए, क्या रखा, क्या मिला? किराए का मकान था, जो किराए के मकान में इतने सालों रह लिए। होता है लोगों के किराए के मकान से बहुत बहुत प्रेम बढ़ जाता है। किराए का मकान नीचे का फर्श खराब हो जाए तो फर्श सुधरवा ले, छत बेकार हो जाए तो किराए के मकान की छत सुधरवा ले, खिड़कियां बेकार हो जाए, दरवाजा बेकार हो जाए तो खिड़की दरवाजा सुधरवा ले। रोज किराए के मकान में रोज पोछा लगाता। एक आध दिन मकान मालिक आ गया और कह गया, चलो निकलो। क्या कह, मेरे को तो 80 साल रहते रहते हो गए, कैसे निकलो? अदालत में केस पहुंच गया, लड़ाई हुई, जज ने निर्णय दे दिया, मकान मालिक जीत गया। जीता मकान मालिक ने धक्के मारकर निकाला, तब रोया। ये उसी तरह है, 80-90 साल ये आत्मा इस शरीर में रह रही है किराए के मकान में, और
आया धड़धड़ाते हुए वही मकान मालिक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में, वही मकान और आके बोला चलो निकलो। तो क्या क्या, मैं तो रहते रहते 80 साल हो गया, 90 साल, कोई कोई तो 95 साल का, कोई 35 साल का, कोई 40 साल, हम नहीं छोड़े। जब यमराज ने धमकी दी, बुलाया यमदूतों को, तब निकाल कर बाहर करा, किराए का मकान खाली की खाली पड़ा रहा। और अपन भी वही कर रहे हैं, ये किराए की खोली, इसका फर्श बेकार हो गया, पाँव फट गए तो क्रीम लगा लगा के फर्श अच्छा कर लिया, छत बेकार हो गई, छत सुधरवा ली, दरवाजा खराब हो गया, किसी किसी की तो चौखट ही उखड़ गई, दरवाजा खराब हो गया, दरवाजा बदल गया, खिड़कियां खराब हो गई, खिड़की रोज पोछा लगाया किराए के मकान में लक्स पेयर से रोज। और एक दिन आ गया, यमराज बनावे बंदी और काया हो गई गंदी, मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ तो तू नंदी लेकर आ जा, मेरे काल करीब भगवान रे भक्तों की सुनकर बोलो तो आ जा। जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास न आने वाला, सब प्रेम करने वाले, हमारी मम्मी हमारी मम्मी, हमारा पापा हमारा पापा, जितने प्रेम करने वाले होंगे होली जलाकर आग लगाकर तापेंगे। जब तन में उठेगी ज्वाला बोलो बोलो कोई पास न आने, भक्तों की सुन के पुकार रे तू नंदी लेकर वो मेरे दीन बंधु भोलेनाथ रे नंदी पर चढ़ कर आया। और प्रभु जब घोड़ा मिले ना काड़ी, इंतजार मत करना हमारे प्राण छूटे जब, नहीं तो भगवान तुम सोचो कि मेरे पास बेल तो ही नहीं, जाऊंगा काय पे लेने, तो विचार मत करना, प्राण छूटने का तो समय निश्चित है, मेरा जाने का समय निश्चित है, इंतजार मत करना। जब घोड़ा मिले ना काड़ी चलने की हो तैयारी, मेरी सैया छूटे भोलेनाथ तो तू नैया लेकर। हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, तू आ, और नहीं आए तो अड़ जाओ। जैसे पहले एक गाना गाती थी ना माता, एक गीत गाती थी, पहला संदेशा हमारे ससुर जी का आया, डोकरा के साथ नहीं जाऊंगी, दूसरा संदेशा हमारे जेठ जी का आया, मुछंदर के साथ नहीं जाऊंगी, फिर आखिरी संदेशा मेरे पिया जी का आया, आखिरी संदेशा मेरे पिया जी का आया तो नंगे पैर दौड़ी चली। तुम भी याद रखना, यमराज लेने आए तो कह देना एक काली है बाहर निकल जा, नहीं जाऊं, चित्रगुप्त आए तो मना कर देना, पर आखिरी में इंतजार करना, किसका, जिसकी तुमने पूजन करी, जिस पर तुमने जल चढ़ाया, जिस पर तुमने दूध चढ़ाया, जिसका तुमने पंचामृत स्नान कराया, जिस पर तुमने भस्मी चढ़ाई, जिसको तुमने बेलपत्र चढ़ाई, उसका इंतजार करना और कहना नहीं जाऊंगी, अड़ जाना, जैसे सुनार की दुकान पे जाके अड़ते हो, लूंगी तो यही लूंगी, नहीं तो नहीं लेना। पति की अभी छोटी अंगूठी ले ले, बाद में मंगलसूत्र बाद में देना, नहीं मेरे को तो लेना ही नहीं, तुम तो चलो नहीं लो। और फिर पति अगर बिना दिलाए वापिस ले आए, फिर घर में जितना बर्तन उसमें टीचा पड़ जाए, मेरे को नहीं, मैं तो
जाऊंगी तुम्हें मेरे शिव के साथ, किसी के साथ। वो कहना ओ मेरे भोले सैया छोड़ो ना भैया, ओ मेरे भोले सैया छोड़ो ना भैया, बाँ छोड़ो तो जाने कहाँ जाऊंगी, बाह छोड़ो तो जाने कहाँ जाऊंगी, ओ भोले सैया छोड़ो ना भैया, हे मेरे शंकर मेरी बाहों को तुम छोड़ना मत, पकड़ कर रखना, क्योंकि मैं तुम्हारी तुम मेरे बन कर रहो, दुनिया का सारा सुख आपके चरणारविंद में हो, वो फिर कहीं पर ना हो, कहीं ना सुख मिले वो आपके चरण का हो। कहां मिलता है सुख? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे, अच्छे जम के बोलो, चरणों में। दुनिया की वस्तुओं में सुख ढूंढने का प्रयास करिए, सुख नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। अगर दुनिया की वस्तुओं में सुख ढूंढा तो कभी मिला है क्या? अरे बोलो तो, दुनिया की वस्तुओं में सुख ढूंढोगे वो मिलने वाला नहीं है। तुम प्रयास कर कर देखो, जितना सुख ढूंढोगे उतना दुख मिलेगा, जितना सुख। क्या सोचा था एक, बस बहुत तकलीफ होती है, वॉशिंग मशीन ले आऊं तो कपड़े धोने का सुख हो जाए। किस किस की यहां वॉशिंग मशीन? हाथ उठाओ, है सब की यहां? रखो, है तो रखो। सुख के चक्कर में लाए थे, कितना सुख मिला तुमको वॉशिंग मशीन लाने के बाद में? बोलो तो, पहले पानी डालो, पाउडर डालो, पानी भी ज्यादा लगे और पाउडर भी ज्यादा लगे, फिर बाद में कपड़ा डालो, फाटक लगाओ, दूसरा फाटक लगाओ, फिर बटन दबाओ, 10 मिनट बाद टेटे बोले, फिर दौड़ के आओ, उसमें से निकालो, अच्छा पानी में खंगालो, खंगाल के फिर सूखने वाले में डालो, फिर उसमें से निकालो, निकाल के फिर बाहर डालो, और जब वॉशिंग मशीन रखो तो पूरी साफ करके रखो, नहीं तो जाम हो जाए। इससे तो दादा हाथ से पछीट लेती तो अच्छा था, काहे की आफत लेके आई। सुख ढूंढा तो दुख मिला, तुम सुख ढूंढते नहीं तो दुख मिलता नहीं। सोचा एक मकान बन जाए भगवान, एक बंगला बन जाए सुख मिलेगा। अब ईमानदारी से बोलो, छोटा मकान था तो कितना सुख था, और जब से बंगला बना 4-6 कमरे ऊपर निकाल दिए, डोकरी बेचारी एक बार चढ़े तो दूसरी बार उतरे नहीं, और उतरे तो चढ़े नहीं, और बहुओं से कह रही तू चढ़ जा, बहू की मम्मी मेरे से चढ़ता नहीं बने तो कपड़े डालने कौन जाएगा, तू तो एक काम कर बाहर गार्डन में डाल दे। अब इतना बढ़िया जोरदार बंगला और कपड़े सूखने डाल रहे गार्डन में, ला सुख ढूंढ रहे। सुख ढूंढा तो दुख मिल गया, जितना सुख ढूंढोगे उतना दुख मिलेगा, जितना भैया सुख ना ढूंढिए, सुख ना ढूंढिए। जिस जिस वस्तु में सुख ढूंढोगे उसमें दुख है, फिर सुख ढूंढा, भगवान एक बहू आ जाए मुझे सुख देगी, जोरदार रोटी खिलाएगी, गरम गरम भोजन देगी। अब वो तो कितने गरम गरम दे रही है वो तो तुम जानती हो, मैं क्या क्या बोलने से कौन सा मतलब, कितना दे रही है वो तुम जान, सुख ढूंढ। मत ढूंढो सुख, फिर सुख ढूंढा, बहू को एक छोरा हो जाए
मैं सोना की सीढ़ी चढ़ जाऊं पर दादी बन जाऊं बस। अब वो दादी बनने के बाद भी कितना सुख मिल रहा है ये तो तुम जानती हो अच्छी तरह से। सबसे ज्यादा सुखी तो बहू तो दिन भर गोदी में ले लेके थप थपाती सुख। कई माताएं फोन लगा के कहती हैं गुरुजी हमारे बेटे के घर बेटा हुआ है मैं दादी बन गई। मैंने मन में सोचा बस अब तेरी आफत की घड़ी चालू हो गई। एक सत्य बात पूछूं जवाब दोगे सब ईमानदारी से बोलना। बेटे के विवाह के पहले जितना पूजन में मन लगता था उतना विवाह के बाद लगा क्या? सत्य बोलना ईमानदारी की बात। जितना मन जब बच्चे नहीं थे जब विवाह नहीं हुआ था बहुएं नहीं आई थी तब भगवान की सेवा में पूजा में अर्चना में भक्ति में भजन में हर कवि बस घर में पति गया दुकान बच्चे गए अपने काम से तुमने लगाया ताला और पहुंच गए कथा में। अब कथा में आने से पहले भी 50 बार बहू को समझाना पड़ता है। बहू अगर नहीं है तो घर में रहना पड़ता है सब काम संभाल कर तब कथा में मन लग जाए बहुत बड़ी बात है बहुत बहुत। शिव कथा कह रही है बाबा भोलेनाथ जी को करुणा सागर कहा सागर की गहराई जैसी अगर गहराई किसी में है तो वो महादेव में है वो शंकर में है। शिव जैसा गहरा कोई नहीं हो सकता। कितने लोग दुनिया के लोग कहते हैं वो गंजेड़ी है दुनिया के लोग कहते हैं वो भंगेड़ी है। ईमानदारी से बोलो अपनी समाज में अगर कोई व्यक्ति बदनाम हो जाए मारवाड़ी में अपनी समाज में ब्राह्मणों में कोई अच्छी उच्च क्वालिटी में उच्च कुल में अगर कोई बदनाम हो गया कि उनका लड़का तो गांजा पीता है उनका लड़का तो ये पीता है वो पीता है तो ईमानदारी से बोलो उसकी शादी होगी क्या? अरे बोलो तो सरी। तो भगवान शंकर को लोगों ने गंजेड़ी कहा भंगेड़ी कहा तो फिर उसकी 52 शादी कैसे हुई तुम बता दो। अच्छा लोगों की एक नहीं हो उसकी 52 हो गई कितनी हुई? अरे बोलो 52 शादी भोलेनाथ जी की। अगर शंकर जी गंजेड़ी होते भंगेड़ी होते तो कोई लड़की भी आता नहीं फिर भगवान शंकर को इतनी लड़की किसने दिया दी? क्योंकि भोलेनाथ गंजेड़ी थे ही नहीं बाबा भोलेनाथ भंगेड़ी थे ही नहीं वो नशे में रहते थे। होता है किसी को धन का नशा होता है किसी को सुंदरता का नशा होता है और किसी को भगवान के नाम का नशा होता है। ये भोलेनाथ राम और कृष्ण नाम के नशे में डूबे रहते थे डूबो। करो नशा पर वो नशा नहीं वो नशा नहीं चाहिए जो रात को पी तो सुबह उतर गई। नशा तो मेरे शंकर की कथा का चाहिए। ना जाने ये बनवारी लाल जी ने कब टीवी पे सुन ली शिव पुराण और ऐसा नशा भराया कि जब तक मैं खाना नहीं लगा तब तक उतर ही नहीं है। कहां उतरे फिर सोच लिया अब तो भैया नशा उतरता ही नहीं है अब जब तक कथा नहीं सुन लूंगा तब तक के मन माने नहीं है। बस वो नशा हो तुम्हारे भीतर भी वो नशा समाहित हो कि महाराज भगवान भोलेनाथ से कहकर जा रही हूं आज शिव पुराण मेरी बुद्धि और मन में बैठ गई अब तो भगवान ऐसी करुणा कर कि मुझे भी इतना दे कि एक बार शिव पुराण मैं भी कराऊं। ये नशेलियों की बस्ती में नशे का आनंद होगा और एक बार जो भगवान की कथा का रोग लग गया तो फिर ना शुगर ना ब्लड प्रेशर ना अटैक ये रोग तो बहुत छोटे हैं इस रोग के आगे। कौन से रोग के आगे? सत्संग के रोग के आगे। जिसको एक बार कथा सुनने का भजन सुनने का सत्संग करने का शिव महापुराण श्रवण करने का जिसको रोग लग गया तो ये सारे रोग हल्के हैं फिर इन रोग का कोई महत्व ही नहीं। बस रोग एक लगा लो मैं हूँ प्रेम रोगी मेरी दवा तो कराओ जाओ 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 फिर
मैंने डॉक्टरों के पास में मरीजों को देखा है, कोई जाके कहता है डॉक्टर साहब मुझे दूर का नहीं दिखता, डॉक्टर उसको दवाई देता है फिर वापस आता है डॉक्टर साहब मुझे दूर का नहीं दिखता, डॉक्टर उसको एक चश्मा बना के देता है, आपने देखा चश्मा अब दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, फिर कोई पहुंचा डॉक्टर साहब मुझे पास का नहीं दिखता, डॉक्टर ने उसको भी चश्मा दे दिया, एक मरीज पहुंचा उसने कहा डॉक्टर साहब ना दूर का दिखे ना पास का, डॉक्टर ने उसे एक ही चश्मे में दो गिलास लगा दिया, देखा किसी किसी के चश्मे में अच्छी फैसिलिटी होती है, ऊपर देखो दूर का अंदर नीचे देखो पास का, इतने मरीज देखे पर आज तक कोई डॉक्टर के पास ऐसा मरीज नहीं पहुंचा डॉक्टर साहब मुझे दूर का भी दिखे पास का भी दिखे पर नहीं दिखता तो मेरा महंकाल नहीं दिखता, उसको देखने का कोई चश्मा हो तो बता दो, डॉक्टर कहेगा भैया वो चश्मा मेरे पास में नहीं है, हाँ गुलबर्गा में सालासर भवन में 7 दिन का नेत्र शिविर लगा, कौन सा शिविर है, अरे बोलो तो नेत्र शिविर ये सालासर भवन में लगा है, जाओ और 7 दिन का नेत्र शिविर में अपने आंखों का इलाज करवाओ, और आज का जमाना चश्मे का नहीं है, सदगुरु चश्मा नहीं लगाता, आज का लेंस का जमाना है, इसलिए सदगुरु शिव महापुराण में आंखों में ऐसा लेंस लगा देता है जिससे परिवार नाते रिश्ते कुटुंब कोई नजर नहीं आता, बस 7 दिन तक मेरा महादेव नजर आता है, दूसरा कुछ दिखे ही नहीं, कुछ नजर ही नहीं आता, अब जिससे पूछो उसको नींद, अभी यहाँ माताएं आई थी ईश्वर भजन मंडल की, यहाँ पर गुलबर्गा की राजस्थानी महिला मंडल आई थी, फिर कह रही थी गुरुजी हमको तो कथा में इतना रस आ रहा है कि कथा ही समापन नहीं हो, हमारी ईश्वर महिला मंडल बोल रही कथा ही समापन, ये लेंस लग गया, अब कुछ नहीं दिखेगा, कल एक माता जी का फोन आया, वो कह रही थी गुरुजी आपकी किताब में से नंबर लेकर फोन लगाया हमने, बोलो क्या बात है, कहे गुरुजी हमारी बहू रात को चिल्ला रही थी हर हर महादेव, हमने कहा समझ में नहीं आ रहा इसको हो क्या गया, हमने कहा कुछ नहीं हुआ, हमारे नीरज भैया बोल रहे थे रात को गुरुजी आपके बच्चे मत चिल्ला रहे थे, अरे हर हर, हमने कहा कुछ नहीं भोलेनाथ की कथा है, शंकर जी के ये जितने गण है जितने आनंद करने वाले हैं ये सब आनंद सुखमय होना चाहिए, आप लोगों से भी निवेदन है कम से कम तुम्हारी आवाज ऐसे तो बहुत निकलती है पर शिव के लिए निकले तो समझ लो वो वाणी धन्य है, वो वाणी की धन्यता है, सुखमय ईश्वर मंदिर से शोभा यात्रा चालू हुई थी नीरज भैया, चलती चलती 2-3 लाइन में घूमती हुई यहाँ पहुंची है सालासर भवन, ईश्वर मंदिर से लेकर रोड तक के बीच में 4 ब्यूटी पार्लर और वहां से यहाँ तक के बीच में 6 ब्यूटी पार्लर, कुल मिला के कितने हो गए 10 ब्यूटी पार्लर ईश्वर मंदिर से लेकर सालासर भवन तक पड़े, हमने सोचा 10 वो हो गए 11 ये हो गए, ये भी तो पार्लर है बस अंतर इतना है उस पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है जिससे पति रीत जाता है, इस पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे परमात्मा रीत जाता है, पार्लर तो ये भी बस आत्मा के श्रृंगार के लिए पार्लर में जाइए और वो पार्लर केवल शिव महापुराण का, उस पार्लर में शंकर ऐसा श्रृंगार करता है कि अपने लायक बना लेता है अपने लायक, और एक बार जो शिव महापुराण के पार्लर में सज गया फिर उसको दूसरा पार्लर होता है, किसी किसी का पार्लर निश्चित होता है कि उसके यहाँ जाएंगे तो अच्छे से, मेरे परंतु अभी तक नीरज भी एक बात समझ में नहीं आई, माताएं वहां 3 घंटे तक ऐसी पोत के ऐसी बैठी रहे, ना मोबाइल पकड़े ना आंख खोले, पर उनको माँ 3 घंटे बैठी रही और यहाँ 3 घंटा बिठाओ तो उतनी देर में कहीं हाथ इधर करे कहीं पांव इधर करे कहीं इनके प्यास लगने लगे कहीं पानी में से बाटल में से पानी निकाल के पीने लगे, उनके माँ क्या हो जाता है, माँ तो प्यास भी नहीं लगती कि वो पार्लर वाली से बोले कि पानी पिला दे डाल दे एक दो बूंद, तो पार्लर वाली बोले ऐसी रे मुंह मत खोलना बिल्कुल भी बोलना भी मत ही क्यों सल पड़ जाए
और ऊपर से आंख पे तो ककड़िया धरती की देखे भी नहीं, बड़ी बड़ी। वो सिखा रही, सिखा रही। अरे भैया, जितना समय तुम पार्लर में लगाओ उतना समय भजन में तो लगा के देखो। दो घंटे तक कांच के सामने खड़ी होके पहले पेंसिल से लाइन बना, फिर डब्बा भर, फिर डब्बा भर। इतना समय जो तूने लाइन बनाने में, डब्बा भरने में रखा, उतना समय शंकर की कथा का आनंद भरने में रख लेती तो जीवन सार्थक हो जाता, जीवन की धन्यता प्रकट हो जाता, जीवन का सुख मिल जाता। कहां सुख, सुख ढूंढ रहे हो, मिलता है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, जीवन का सर्वाधिक सुख वही। शिव कथा का भगवान शिव की, ओ भोले बाबा देना सहारा कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, मेरे भोले बाबा देना सहारा कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, मेरे एक सहारा कहीं छूट जाए